ने तीन बेटों को एक एक मुट्ठी गेहूं दिया बंटवारे में। बाप बोला, बेटा ये बंटवारा में तीन मुट्ठी गेहूं बचा है मेरे पास। एक पिता ने बंटवारा किया, तीन बेटे थे और बंटवारे में क्या दिया, बाप के पास कुछ नहीं था, तीन 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 मुट्ठी गेहूं था, सिर्फ तीन मुट्ठी गेहूं। तो एक मुट्ठी गेहूं उठाया तो बड़े बेटे को दे दिया, एक मुट्ठी उठाया तो मझले बेटे को दिया, एक मुट्ठी उठाया छोटे को दिया। कहा, बेटा ये रहा मेरा धन, एक एक मुट्ठी गेहूं, इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब टाटा मैं जा रहा हूं, पर मैं एक बार जरूर लौट के आऊंगा तुम लोगों के पास। पिता बोला, मैं जा रहा हूं और मैं मुट्ठी भर जो गेहूं तुम्हें दिया हूं उसका हिसाब लेने आऊंगा। चला गया बाप। बाप लौटा 20 साल बाद। 20 साल बाद तीनों बेटों को बुलाया, यहां 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 बैठो, बताओ मेरे तीन मुट्ठी गेहूं जो दिए तुम तीनों को, एक 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 मुट्ठी गेहूं का हिसाब दो। बड़े बेटे ने कहा, पिताजी वो गेहूं तो हमने भूंज करके खा लिया था, सोचा खराब हो जाएगा, पिता का दिया है, अब गेहूं का क्या करते, तो खा लिया। अच्छा खा गए? हाँ खा गए, खा गए हम, खा गए। दूसरे को बोले, पिताजी हमने संभाल के रखा है, उसने कपड़े में बांध के रखा था, पिताजी आएंगे मांगेंगे तो दूंगा। ये तो 20 साल बाद गेहूं तो क्या बचा भैया, वो पूरी धूल मिट्टी हो गई, राख हो गया, पर कपड़ा में बंधा था, संभाल के रखा था, कुछ भी नहीं था, माटी थी। ये पिताजी गेहूं, पिता ने कहा धन्य हो। तीसरा, तुम यहां छोटा क्या किया तुमने तीन मुट्ठी गेहूं एक मुट्ठी गेहूं का? पिताजी मैंने वो एक मुट्ठी गेहूं खेत में बो दिए थे, तो एक मुट्ठी से 50 मुट्ठी हो गए, फिर मैंने 50 मुट्ठी बोया तो 1000 मुट्ठी हुए, 1000 मुट्ठी बोया 1,00,000 मुट्ठी हुए, 1,00,000 मुट्ठी बोया पिताजी आज 1,00,000,000 मुट्ठी। देखो ये पूरा घर भरा हुआ है गेहूं, ये बोरे के बोरे कई कुंटल सैकड़ों कुंटल दिखाया पिता, आपके एक मुट्ठी गेहूं ये रखा। उसने गेहूं का व्यापार शुरू कर दिया था, औरों का भी गेहूं खरीदने लगा, अपना भी लेके बेचने लगा, वो बड़ा पैसे वाला हो गया, उसका बड़ा नाम था, बड़ी इज्जत सम्मान। तो एक ही बाप के तीन बेटे हैं, तीनों को बराबर बराबर दिया, लेकिन जिसने सदुपयोग किया वो कहां से कहां पहुंच गया और जिसने दुरुपयोग किया वो जहां थे वहीं। तो बस यही है, ईश्वर ने आपको सब जितना भगवान ने टाटा बिड़ला अडानी अंबानी को दिया है उतना सब कुछ भगवान ने आप सबको दिया। बस कोई अपनी मेहनत के बल पर सही राह पर चलकर वो आगे चले गए, कोई गलत निर्णय लेके माइनस हो गए। ईश्वर ने भेदभाव नहीं किया, भगवान किसी को गरीब नहीं अमीर नहीं बनाता, आपकी अपनी मेहनत। फुटपाथ पर रहने वाले लोग भी मेहनत करके करोड़पति हो सकते हैं, काम करके करोड़पति हो सकते हैं, और ना करने वाला करोड़पति भी फुटपाथ में जाके सोने के लिए मजबूर हो सकता है। करोड़पति रोडपति हो गए और रोडपति करोड़पति हो गए, भगवान का यही तो खेल है। इसलिए लक्ष्मी चंचल है, किसी के बाप की बफौती नहीं होती लक्ष्मी। हमने कल बताया था कि सत्ता संपत्ति और सुंदरता ये तीनों सदा ना रहेंगी, आज हैं कल रहेंगी इसकी गारंटी नहीं है, जब है तो सदुपयोग करो, सदुपयोग कर लो।